नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीतिश श्रीवास्तव। 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है स्टेट बुलेटिन का। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के मशहूर गायक श्री कैलाश खेर और साथियों ने देशभक्ति गीतों की सुरमई प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जान है हमारी है तिरंगा गीत पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित उपस्थित लोगों ने देशभक्ति भाव से भावुक होकर सुर में सुर मिलाया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा इससे पूर्व जोहार तिरंगा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर छत्तीसगढ़ मैतारी के छाया चित्र पर माला अर्पण कर किया गया। रायपुर सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिकों ने बाइक रैली निकाली और भारत माता की जय जय तिरंगा नारों से राजधानी गूंज उठी। रैली के दौरान जगह जगह स्थानीय लोगों ने अपने प्यारे सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा, लोगों ने पुष्प वर्षा से ब्रिजमोहन की तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। इस अवसर पर ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यात्रा का मकसद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे का प्रचार प्रसार करना है। इस तरह की यात्रा से लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम भी है। देश भर में इस साल 78वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक अलग माहौल देखा जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 15 अगस्त के पहले पीएम से अपील का साफ असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस अभियान के तथ्य बालोद जिले में भी अभियान को लेकर उत्साह देखा गया और बालोद जिला मुख्यालय के सरदार पटेल मैदान में 351 फीट का तिरंगा और ड्रोन में तिरंगा फहराकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, स्थानीय नागरिक, भाजपा नेता सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। बलरामपुर में एसीबी ने 12,000 की रिश्वत लेते सरकारी बाबू को रंगे हाथ पकड़ा। आपको बता दें, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड 2 के पद पर काम कर रहे गौतम सिंह ने विभाग के ही एक चपरासी नीतीश पटेल से काम कराने के बदले पैसे की मांग की थी, जिसके बाद चपरासी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की, जिसके बाद एपीसी ने घात लगाकर एसीबी ने 12,000 की रिश्वत लेते बाबू को, गौतम सिंह को, गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें, पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोश के साथ चलाया जा रहा है। वहीं हर विभाग में स्वतंत्रता के जश्न को मनाने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस द्वारा स्वतंत्रता के रंग काफी के संग थीम के साथ भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें पुलिस महकमे के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता दिवस को पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जारी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर प्रदेश में और हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आजादी के रंग खाकी के संग, इस थीम के तहत हमारे हर स्तर के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। हमारा तिरंगे के प्रति सम्मान हो, हम पूरे आन बान शान के साथ अपने स्वाधीनता दिवस को मनाएं, ये अभियान इसी क्रम में लगातार जारी है। हमारे संस्कार धानी के वासियों को सुंदर संग्राम की, सुंदर स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर के कॉलेजों में आरएसएस के नेताओं द्वारा लिखी किताबों को सिलेबस में शामिल करने का निर्देश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस आदेश को जारी किया। इस आदेश के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया। विपक्षी दल इसे विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि उसने पहले ही चल रही राष्ट्रीय विरोधी विचारधाराओं को हटाया है। उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला ने सरकारी और
और निजी सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को 88 पुस्तकों का सेट खरीदने का निर्देश दिया है। इन पुस्तकों में प्रमुख आरएसएस नेताओं जैसे सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डॉक्टर अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप बालेस्कर किताबें शामिल हैं। सभी लेखक आरएसएस की शैक्षिक शाखा विद्या भारती से जुड़े हैं। विभाग ने कॉलेजों को ये जल्द से जल्द इन किताबों को खरीदने के लिए कहा है। आपको बता दें, इस निर्देश का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपराओं को एकेडमिक सिलेबस में शामिल करना है। विभाग ने कॉलेजों में ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के गठन की भी सिफारिश की है। 88 पुस्तकों की इस सूची ने विशेष रूप से विद्या भारती के पूर्व महासचिव दीनानाथ बत्रा की लिखी 14 किताबों पर विवाद ज्यादा है। बत्रा पहले भी 11वीं कक्षा की हिंदी की किताब से क्रांतिकारी पंजाबी कवि पाश की कविता को हटाने की मांग को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। विपक्षी कांग्रेस ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और भाजपा सरकार पर छात्रों को विभाजनकारी और घृणित विचारधारा के साथ प्रेरित करने का आरोप लगाया है। डिंडोरी में पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को ग्रामीण मजबूर है। करंजिया विकासखंड के गोपालपुर गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे को आपको बता दें, अपनी जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी पर बने जर्जर हो चुके डायवर्जन को पार करना पड़ता है। बीते दिनों आए बाढ़ में जगह जगह से डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया। गोपालपुर स्कूल और बाजार आने के लिए नदी पर बने डायवर्जन को ग्रामीण और स्कूली बच्चे पार करते हैं। ऊपरी इलाके में बारिश होने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है बिहार से। राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास बीजेपी के नेता अजय शाह को उनके घर में चल रहे डेयरी दुकान में गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी ने बताया कि हत्या की घटना में पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम ने भी बुलाया गया है। एफएसएल की टीम को साथ ही परिजनों का बयान लिया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में रहे बदमाश बूथ पर पहुंचे, जहां कुछ कहा सुनी के बाद बदमाशों ने पिस्तौल निकाला, फायरिंग की, जिससे अजय को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और इसी बीच गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग निकले तो देखा कि अचंभित रह गए। परिजनों ने जख्मी अजय को आनन फानन में उपचार के लिए निजी उपचार केंद्र फिर एनएमसीएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अजय शाह को मृत घोषित कर दिया। किशनगंज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह विधायक शकील अहमद का धर्मशाला रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विशेष राज्य दर्जा मामले में बैठक की। इस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आज 11 लाख लोगों ने हिंदुस्तान की नागरिकता त्याग दी। टैक्स जहां बच सकता है, लंदन दुबई सहित अन्य देश चले गए। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल किशनगंज के ही हैं। उन्होंने बेईमानी से सरदार के मेडिकल कॉलेज पर अपना कब्जा किया। उन्होंने खुद अपने व्यवसाय को बेईमानी से हासिल किया। बहुत अच्छा था, बहुत ही सही, बहुत सही कहा एकदम। यही कहने जसवाल जी, मेडिकल पे, एक सरदार जी के मेडिकल पे कब्जा करने वाला व्यक्ति, हाँ उनका नहीं है, उसे पूछेगा कि डीड्स में क्या है, उनका क्या पोजीशन। तो बेईमानों के हाथों में जो आदमी अपने अपने व्यापार को बेईमानी के रास्ते से हासिल करे, उस आदमी का बयान आ रहा है। पहली बात तो ये एकदम चिड़चिड़ी लगेगा इस बात, सत्य को सुनकर। तो वो ये बात कह रहा है, 2004 से 14 तक इस देश में यूपीए की सरकार, 2004 से लेकर 14 तक बिहार में केंद्र का पैसा
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, क्योंकि जब कोई योजना जनता के भलाई के लिए आती है, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, शिक्षा हो, मनरेगा हो या बीपीएल हो, बीपीएल को जो कार्ड धारक हो, कोई भी योजना हो। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के सेकेंड ईयर की महिला पीजी रेजिडेंट की बलात्कार कर हत्या करने के विरोध में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने मृतक छात्रा को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च में शामिल मेडिकल छात्रों ने कहा कि आए दिन डॉक्टर या मेडिकल छात्रों के साथ मारपीट, हत्या जैसी वारदात हो रही है। कुछ दिन पहले पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भी मारपीट की घटना घटी, जो मानवता के विपरीत है। कैंडल मार्च में शामिल छात्राओं ने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग सरकार से की। छात्रों ने बताया कि पुराने एक्ट को खत्म कर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाया जाए। और झारखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए के प्रमुख घटक दल आजसू पार्टी अपने युवा विंग को खड़ा करने में जुट गई है। प्रदेश कार्यालय में युवा आजसू ने रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने युवाओं को राज्य के भविष्य को संवारने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे वो न सिर्फ खुद को संवारेंगे बल्कि प्रदेश को भी संवारने का काम करेंगे। युवा आजसू के सभी साथी जनता के हक के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और निर्भीक होकर सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहें। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आजसू प्रमुख ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए वर्तमान सरकार के पास कोई मापदंड नहीं है। अनुबंध कर्मियों से समान काम, समान वेतन, समान अवसर का वादा हो या युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा, सभी मुद्दों पर सरकार अपनी जुबान से पलट गई है। राज्य के अंदर में एक नए स्ट्रक्चर को पार्टी तैयार कर रही है युवा आजसू के नाम पर, और ये हर जगह पर, हर जिले पर चल रहा है। आज रांची ग्रामीण के पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो चयन, जिस विषय को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े वाहक युवक बनेंगे और ये अपने दायित्व पर आ जाएंगे, राज्य की जरूरतों पर आ जाएंगे और राज्य के भविष्य को न खुद को संवारेंगे बल्कि राज्य को संवारने का भी नेतृत्व इन्हीं के हाथ में रहेगा। ये तैयारी हमारी चल रही है राज्यभर में। इस महीने के अंत या पहले सप्ताह में हम राज्यभर के यूथ का, हमारा एक कमिटमेंट है कि हम लोग सभी एक जगह खड़ा होकर इस राज्य के 24 में जो परिणाम आने हैं, 24 के लिए जो हमें काम करना है, अंतिम जो हमारा इस प्रदेश के लिए, जो इस लोगों के हक हुकूम के लिए काम करना है, उसके पक्ष में ये सभी खड़ा होंगे और निर्भीक रूप से पूरे परिणाम तक लगातार ये संघर्ष करेंगे। गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने महेशपुर विधानसभा के गायबथान पहुंचकर 18 जुलाई को दो समुदाय के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए झड़प में पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात की। उसके बाद सांसद गोपीनाथपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही वो केकेएम कॉलेज छात्रावास पहुंचे, जहां छात्रों से मुलाकात कर घटित घटना की जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने इन घटनाओं की घोर निंदा की। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इन सभी को न्याय मिलेगा। सांसद ने कहा कि संस्थाल परगना में लगातार आदिवासियों की संख्या घट रही है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बने या ना बने, पर सुप्रीम कोर्ट से लड़कर मैं उन सभी को आदिवासी की जमीन से हटा दूंगा। शेड्यूल 6 के जिलों प्रखंड पाकुड़ जो है, यहाँ की आबादी मुस्लिम बाहुल्य हो, तो शेड्यूल 5 का तो खत्म हो गया ना आपका अधिकार। यहाँ शेड्यूल 5 का जो पैसा कानून है, एक्ट है, तो जो मुखिया बन रहे हैं, जो जिला परिषद बन रहे हैं, वो ऑटोमेटिक जनरल लोग बनने जाएंगे। तो केवल शॉर्ट टर्म गेन के कारण जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का आदिवासी नेतृत्व है, वो इन चीजों को नहीं समझ रहा है और यही होने वाला है। और जब डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आप लोग पढ़ लोगे कि कैसे सीट जो है, दो रिजर्व सीट में से केवल एक ही रिजर्व रह गया और दो डी रिजर्व हो गया, अपने आप लोग समझ जाओगे। लेकिन जब तक इस लड़ाई को आदिवासी समाज नहीं लड़ता।
बेरमो विधानसभा अंतर्गत सुभाष नगर के भाजपा कार्यालय में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा प्रतिष्ठान समारोह का आयोजन भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह के द्वारा किया गया। अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के लोकार्पण में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दर्शन के साथ दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इस मौके पर बावरी ने झारखंड सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि झारखंड की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट और युवा विरोधी सरकार है। उन्होंने जितने वादे किए थे वो बिल्कुल नहीं निभाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिव प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यालय में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौडानकर, सदस्य पूनम पासवान और प्रकाश जोशी के साथ झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बैठक होगी। जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले उन राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बैठक ली है। उन बैठकों में तमाम चीजों के विचार विमर्श हुआ कि कैसे हम अधिक से अधिक सीट जीत सकते हैं, कहाँ हमारी क्या खामियां हैं, उन खामियों को हम दूर करेंगे, जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ और अधिक कैसे मजबूत हों, तो इन तमाम चीजों पे बैठक में जो है वार्ता हुई। डीआईजी अनुराग गुप्ता ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत में कहा कि झारखंड के नक्सली गुटों से अलग होकर बने स्प्लिंटर ग्रुप पर डीजीपी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों और उग्रवादियों की प्रोफाइलिंग कर उन पर नजर रखने की हिदायत दी है। झारखंड में भाकपा माओवादियों के साथ साथ स्प्लिंटर ग्रुप पर सख्त कार्रवाई का आदेश डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिए। डीजीपी ने झारखंड के नक्सल प्रभावित 6 जिले चाईबासा, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, लातेहार और पलामू को खास तौर पर निर्देश दिया कि वो ठोस रणनीति बनाकर प्रभावी कार्रवाई करे, जिससे आगजनी और लेवी जैसी वारदातों पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाए। एक्सटॉर्शन की यदि घटनाओं की बात करें तो उसको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक है जो जेल के अंदर बैठे कुछ गुर्गे या उनके सहयोगी जो देश के बाहर बैठे वो कर रहे हैं, और दूसरा जो सो कॉल्ड स्प्लिंटर ग्रुप से नक्सलाइट के वो कर रहे हैं। अगर पहले ग्रुप की बात करें तो जिसमें ये आपके अमन साव, विकास तिवारी, आपके प्रिंस खान, ऐसे ये 4-5 गैंग हैं, तो आज भी सुबह मेरे एसपी एटीएस को मैंने बुलाया था, इन पर कार्रवाई चल रही है, सभी जेलों की छानबीन हो रही है, कुछ जेलों में ऐसे लोग जो है जो कि इनके सहयोग करें उसको चिन्हित किया गया, इन पर कार्रवाई कड़ी होगी। और जहां तो दूसरा जो की बात करें जो कि सो कॉल्ड नक्सलियों के स्प्लिंटर ग्रुप है, वो नक्सली नहीं है, स्प्लिंटर ग्रुप नहीं, वो प्योर एंड प्योर अपराधी हैं, उन पर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी हाल में हजारीबाग में घटना घटी थी जिसमें एक टीपीसी के लोग इन्वॉल्व थे, वो सारे लोग पकड़े गए हैं, तो कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या से डॉक्टरों में आक्रोश है। घटना के विरोध में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स में हॉस्पिटल कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर्स ने आज कार्य बहिष्कार किया। इसकी वजह से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित हुई। जूनियर डॉक्टर्स ने रूटीन सर्जरी और इंडोर सर्विस से भी खुद को अलग रखा। हालांकि इमरजेंसी सेवा में जूनियर डॉक्टर भाग ले रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन नेशनल हेल्थ कमीशन ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई।
कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करके उनका मर्डर हत्या कर दी गई है। इसको लेकर चिकित्सकों में बहुत आक्रोश है और इस घटनाक्रम को देखते हुए राज्य में भी झारखंड राज्य के रांची में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स में जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है कैंपस के अंदर। और विरोध प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो डेली अपने कार्य को बंद किया गया है। उनके द्वारा कार्य को बंद किया गया, इसके वजह से सारे सरकारी अस्पतालों में ओपीटी प्रभावित है पूरी रूप से। बाकी हालांकि देखा जाए तो इमरजेंसी सुविधा में जूनियर डॉक्टर भाग ले रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर सरकारी अस्पताल में आपको बता दें, जो दुष्कर्म का मामला आया है उससे पूरे देश में आक्रोश है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।